माइकल बे के निर्देशन में बनी ट्रांसफॉर्मर फ्रेंचाइज की आखिरी मूवी ट्रांसफॉर्मर्स द लास्ट नाइट बॉक्स ऑफिस पर उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई जैसा कि इसके मेकर्स और स्टूडियो सोच रहे थे, और तभी उसके बाद आई बम्बलबी मूवी ने इसको रिबूट कर दिया। अब चाहे कोई कितना ही चीखले चिल्ला ले कि इसका कनेक्शन माइकल बे की फिल्म सीरीज से है, पर भाई साहब हम चूतिया थोड़ी ना है, रिबूट का मतलब तो रिबूट ही होता है, फिर चाहे वो हल्का फुल्का हो या ज्यादा हो। और देखो यार, मैं झूठ नहीं कहूंगा, बम्बलबी मूवी में तुमको ऐसा क्या अच्छा लगा जो ये बॉक्स ऑफिस पर हिट हो गई? मतलब माइकल बे वाला जादू तो पूरी तरीके से इस मूवी में गायब था, और ऑप्टिमस प्राइम का वो छोटा सा कैमियो दमदार था, लेकिन देखा जाए तो पूरी मूवी क्या तुमने सिर्फ उस कैमियो के चक्कर में देख ली थी क्या? और अब उसके बाद इस ट्रांसफॉर्मर फ्रेंचाइज में आने वाली है बम्बलबी का सेकंड पार्ट, ट्रांसफॉर्मर राइज ऑफ द बीस्ट। और भाई साहब, इस मूवी की हाइप ना ट्रांसफॉर्मर्स की वजह से नहीं है, बल्कि इसके बाद में शब्द जो आ रहे हैं ना बीस्ट, इसकी वजह से है। भाई साहब, जो बीस्ट वाली सागा है ना, ये ट्रांसफॉर्मर्स में अब तक आई सबसे बेस्ट स्टोरी में दूसरे नंबर पर है। मतलब ये स्टोरी इतनी अलग थी ना कि भाई साहब उस टाइम पे इसका रोला कटता था। और पहले नंबर पे मैं हमेशा रखूंगा साइबरट्रॉन और यूनिकॉर्न की स्टोरी।